गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो करने लगे हैं। काफी लोग बोल रहे थे इस पर ऐड किया जाए, तो आज हम देखेंगे फेस ऑफ व्हाट हैपेंड व्हेन गुरुकुल एंड मदरसा स्टूडेंट मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। गुरुकुल क्या होता है? जिस तरह हमारा मदरसा होता है, इसी तरह हिंदूज का मतलब गुरुकुल होते हैं। मतलब हाँ, मतलब जहाँ पर वो टीचिंग्स लेते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, मतलब अपने हिंदू रिलीजन के बारे में है कि हाँ, फुल तालीम उदर होते हैं। जिसकी मतलब हाँ, इसी तरह मदरसा जिसमें मुस्लिम के बारे में हर चीज इधर सिखाई जाती है। तो ये चीज हम देखने लगे हैं। हम अब इनके देखेंगे, जब दोनों स्टूडेंट्स मतलब गुरुकुल के और मदरसा के स्टूडेंट मिलते हैं पहली दफा, तो क्या एक दूसरे से बात करते हैं, क्या बोलते हैं, बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। गॉड द पावर व्हिच ह्यूमंस बिलीव क्रिएटेड द एंटायर यूनिवर्स इज ऑल्सो द रीजन व्हाई ह्यूमंस लव टू हेट ईच अदर। सो व्हाइल यू एंड आई सिट एंड आर्ग्यू अबाउट व्हाट गॉड इज एंड व्हाट गॉड इजंट, वी थॉट how difficult or amazing would it be if we were to invite two students who have dedicated their entire lives studying their religion to just sit in a room and have a conversation. Bilkul. My name is Ariba Falak and we at Times of India invited a Gurukul and a Madarsa student to come and share their life experiences. Watch this video to find out what happened next. 10 साल का था तब मैं गुरुकुल में आया था। मैं जब 7 साल का था मदरसे में मेरे दाखिला हुआ। इससे पहले तो कभी नहीं मिला हूँ मैं मदरसे के स्टूडेंट से। पहली बार मैं किसी गुरुकुल के स्टूडेंट से मिल रहा हूँ। टूरिज्म के बारे में जो मेरा नॉलेज है बहुत लिमिटेड है और इस स्केल में मैं सिर्फ 2 मार्क्स दे पाऊंगा। मैं तो अपने आप को 2 या 3 ही मार्क्स दूंगा क्योंकि मैं इस्लाम के बारे में इतना नहीं जानता। मतलब दोनों मजा आएगा भाई। मैं 10 साल का था तब मैं गुरुकुल में आया था। पहले तो थोड़ा सस्पेंस में था क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने यहाँ डाल दिया, मेरे को भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते। मैं भी और बच्चों की तरह रोज घर आता और रोज मम्मी के हाथों से खाना खाता। घर पे एक बार गया तो फिर मैंने मम्मी पापा से जिद की, मैं अब दोबारा नहीं जाऊँगा, वहाँ ऐसा है, वहाँ अकेला रहना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं मम्मी पापा ने कुछ लालच दिया कि अगर तू वहाँ जाएगा तो मैं फिर ये दिलवाऊंगा। मेरे को चैन पहनने का बहुत शौक है तो मुझे गोल्ड की चैन दी थी बाद में। मैं जब 7 साल का था मदरसे में मेरा दाखिला हुआ। अब्बा जो है वो कहते थे कि जो है तुम हिफ्ज कर लो, उसके 30 पार्ट्स होते हैं पूरा कुरान के, तो मैंने 20 पार्ट्स कर लिए थे। तो अब्बा ने कहा कि बेटा पता है तुम्हें, तुम्हें घड़ी बहुत पसंद है ना, घड़ी हम तुम्हें देंगे। मैंने दोबारा झूठ दिया अपने आप को और फिर मैंने पूरा कर लिया। सेकंड थिंग ये है कि आज के टाइम में एग्जैक्टली व्हाट आर दे डूइंग? जब कोई कहता है बात कि मैं गुरुकुल में पढ़ रहा हूँ, तो एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हैं गुरुकुल में, आप क्या पढ़ रहे हैं? आवश्यकता, अपनी आवश्यकता से हीन कर दिया। 6th to 12th मैंने संस्कृत पढ़ी, उसमें व्याकरण, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ, ऑल सब्जेक्ट पढ़े। बट अब मैं महर्षि वेदव्यास उपदेशक महाविद्यालय में पढ़ाई करता हूँ। वहाँ पर मुझे उपनिषद, वेद, शास्त्र, रामचरितमानस, संस्कृत के सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। मदरसे में आमतौर से 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, एक है तफसीर और हदीस और फिर फिका। सीजन चेंज होता रहता है, कभी 4 कभी 4:30 ऐसे अजान होती है जिसको हम फजर की अजान कहते हैं। सो फजर की अजान के बाद सीधे हम मस्जिद में पहुंचते हैं। हम लोग 4:30 बजे सुबह उठ जाते हैं, तक योग वगैरह करते हैं। 8 बजे से पहले का जो टाइम होता है उसमें हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लोग यज्ञ करते हैं। 8 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है और ठीक 1:30 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं। 8:30 से लेके 1:30 बजे तक हमारे स्कूल चलता है। स्कूल के बाद हम लोग भोजन करते हैं, फिर 4 से लेके 5, 5:30 तक खेलते हैं। मुझे ये जानकर के अभी बहुत हैरानी हुई कि अमन भाई ने जो शेड्यूल बताया, मैं ऐसा लग रहा था कि मैं अपना शेड्यूल देख रहा हूँ। बहुत ही सिमिलरिटी है हमारे शेड्यूल में। सर के यहाँ एक अजान होती है, अजान या नमाज, पता नहीं, नमाज पढ़ी जाती है। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ एक होती है संध्या, हमारे यहाँ एक माँ गायत्री होती है, उनकी उपासना की जाती है। जैसे ही सूरज डूबता है तो उस वक्त एक और अजान होती है, मगरिब की अजान। मगरिब की अजान होते ही हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद अपना सेल्फ स्टडी करते हैं जिसमें कंपलसरी होता है। वो एक जगह पे हम इकट्ठा होते हैं, वहाँ सब लोग पढ़ते हैं। और हमारे पढ़ने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कि दिन भर में हमने जो क्लासेस में सीखा है, जो पढ़ा है,
तो 3-4 लोग एक साथ बैठते हैं हम लोग, और उसमें से जो सबसे ज्यादा समझदार होता था, इंटेलिजेंट होता था, जिसे सब चीजें समझ में आई, वो हमें जो दिन भर की पढ़ी हुई चीजें थी उसको फिर रिकॉल करके उसको दोबारा समझाता था. और इस चीज को हम बोलते हैं मुजाकरा. इस 2 घंटे में हम लोग वो मुजाकरा करते थे. फिर उसके बाद इशा की अजान, फिर खाना, और उसके बाद आपको ये ऑप्शन होता था, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए, आराम करना चाहते हैं तो आराम कीजिए. ओके. भोजन करके कम से कम हमारे यहाँ कहा गया है 100 कदम इंसान को रोज चलना. हाँ, ये इधर हमने भी भोजन करने के बाद. उसके बाद आता है सेल्फ स्टडी. उससे कहते हैं 9:30 या 10:30 तक हम सेल्फ स्टडी करते हैं. 10 बजे ये नियम है कि हमको सो ही जाना. अच्छा, 10 बजे सो जाना. हाँ, जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे इंस्ट्रक्शन तो थे कि आपको 10:30 बजे तक, क्योंकि 10:30 बजे तक जनरेटर चलता था, लाइट रहती थी, उसके बाद बंद. साढ़े दस बजे अगर वो सरकारी लाइट आ रही तब ठीक है, वरना जो हमारे यहाँ मदरसे में जो लाइट प्रोवाइड की जाती थी वो 10:30 बजे तक. तो ये इंडिकेशन होता था कि उसके बाद आप सो जाओ, लाइट्स आउट, यू आर डन फॉर द डे. एक चीज जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मजा नहीं आता है उसमें आपको, जो वेद होते हैं वो भी बहुत मोटे मोटे होते हैं, और पुराण होते हैं, फिर उपनिषद, फिर रामचरितमानस, इतनी मोटी होती है. मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई किताबें रखे आए और मैं बाद में क्लासरूम में चला जाऊं. मैं तो सोचता हूँ जो छोटे छोटे बच्चे ले जाते हैं पता नहीं कैसे इतना भारी भारी बैग उठा के लेके जाते हैं. मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे मैथ और साइंस से बहुत डर लगता था. अगर मैं कहीं भी और स्कूल में जाता तो मैथ और साइंस पढ़ाई जाती. बुक्स वाली जो बात है, हम लोग क्लास से बुक्स बाहर लेके ही नहीं जाते, वहीं पे हमने अपनी जगह बना रखी है. हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि आपके यहाँ बैग होता है एक, उसमें सारी पुस्तकें रख लो. हमारे यहाँ हाथ में पकड़ के ले जाओ, फिर हाथ में पकड़ के लेकर के आओ. एक बात है जो मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अपने रूम से बाहर हैं, ठीक है, तो आपका एक ड्रेसिंग कोड जो कि ऑफ कोर्स कुर्ता पजामा है, ठीक है, सर पे टोपी, ये होना चाहिए. ये था कि हम लोग खेलने भी जाते थे तो हमें वो उस ड्रेसअप में ही खेलना होता था. तो क्या अब फिर कपड़े गंदे हो जाते थे, फिर धोना, तो एक थोड़ा सा हेक्टिक सा लगता था वो. तो ऑफ कोर्स रूम में तो आज़ादी होती थी, लेकिन जैसे बाहर निकल रहे हैं, क्लास का टाइम नहीं है तो अपने मर्जी का ड्रेस पहन लें, थोड़ा यहाँ वहाँ घूम लें, नहीं उस वक्त भी हमें ड्रेस का ध्यान रखना होता था. यज्ञ करना मुझे ज्यादा पसंद लगता है, क्योंकि यज्ञ से हमारा जो वातावरण है, जितने बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सारे मर जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है. और भगवान का मुख कहा गया है, अगर किसी भी माध्यम से हम उनको कुछ भी पहुँचाना चाहें तो वो यज्ञ के माध्यम से ही पहुँचा दिया जाता है. जब हम मदरसे में पढ़ते थे, घर से काफ़ी दूर, 500-600 किलोमीटर दूर, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, हॉस्टल लाइफ में रह रहे हैं, तो जो हमारे टीचर्स होते थे वो एक प्यार जो वो देते थे, और एक उनके साथ घर पे बुला करके वो खाना खिलाना, और कोई भी दिक्कत हो गई, बीमार पड़ गए तो मतलब पूरा ध्यान रखना, तो ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा है कि आज भी उनसे वो रिश्ता है, और आज भी लगता है कि वो जैसे मेरे माँ बाप जैसे हों. मतलब वो कहते हैं ना, टीचर माँ बाप के बाद टीचर तुम्हारा, मतलब वो रूहानी बाप होता है, जिस तरह हम इधर बोलते हैं. जहाँ तक मुझे लगता है बुक शायद कोई रिलीजियस मतलब कोई बुक होगी इनकी, ठीक है. और ये जो माला है, माला जपना मैंने सुन रखा है कि जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं या कोई एक मंत्र टाइप का पढ़ रहे होते हैं तो उसमें माला का प्रयोग कर लेते हैं. मतलब हम क्या, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है. इस पेड़ के बारे में मेरे दो, जैसे पीपल के पेड़ के बारे में मैंने सुन रखा है, तुलसी का पेड़ मैंने सुना है, तुलसी का पेड़ है. ये जो पेड़ है वो इस माला का पेड़ है, रुद्राक्ष के, रुद्राक्ष का पेड़ कहा जाता है इसको हमारे. और ये है जो वो हमारा तिलक है जो हिंदू धर्म में लगाया जाता है. ये यज्ञोपवीत है. और ये ठीक बताया था आपने, माला है ये भगवान शिव हमारे यहाँ एक होते हैं उनकी सबसे प्रिय माला है. और वो भी आपने ठीक बताया था, ग्रंथ है. If I'm not wrong, that is जनेऊ. This is, इसी को जनेऊ कहते हैं. हाँ, जनेऊ कहते हैं. Okay. अब टर्न है कलीम की. अमन, has to take a guess कि ये चीजें क्या हैं? ये
फल है पर ये नहीं पता मुझे ये किस चीज में यूज किया जाता है, और ये कुरान को जब रखते हैं और वो माला। मैं यहाँ शुरू करूँगा, ये तस्बीह है, और तस्बीह जो है जब भी हम कोई दुआ पढ़ते हैं तो उसको मेमोराइज करने के लिए, क्योंकि कुछ दुआओं का होता है कि इसको 33 टाइम्स पढ़ने हैं, इसको 100 टाइम्स पढ़ने हैं, तो इस पे मेमोराइज करने के लिए सही होता है, याद रखने के लिए हमने कितने टाइम पढ़ा। तो उस राइट आंसर यस हाँ सही था, और ये आंसर भी उनका सही था कि कुरान इस पे रख के पढ़ने में काफी आसानी होती है, इसे जो हम रेहल कहते हैं। रेहल राइल मतलब हम इसके। एंड व्हाट इज दिस फल, क्या है ये फ्रूट? ये खजूर है। जब हम रोजा तोड़ते हैं यानी कि जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर हम कोई चीज खाते हैं तो ये खाते हैं, इसी फल से हम स्टार्ट करते हैं, इसको खजूर कहते हैं। एक दूसरे से कितने प्यार से मतलब समझ रहे हैं एक दूसरे की चीज यार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हिंदू धर्म के बारे में जो दो वर्ड सुन रखे हैं, एक हिंदू धर्म और एक सनातन धर्म, क्या दोनों एक ही चीज है या फिर दोनों अलग अलग? हाँ, मैंने भी ये सुना, मैंने भी ये एक चीज नहीं है। अच्छा, आज पता लगेगा। धर्म नहीं होता है, ये पंथ होता है। अच्छा। या आपकी भाषा में कहें तो मजहब होता है। धर्म होता है तो सनातन धर्म होता है, जो अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। हमारे यहाँ चार युग कहे गए हैं, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और कलयुग। हमारा राम जी हुए, जो कृष्ण जी हुए, इनसे चला हुआ आ रहा है सनातन धर्म। ये जो आप सिर पे टोपी लगाते हैं, ये किस लिए लगाते हैं, इसका कोई कारण या रीज़न? अच्छा सवाल है। ये जो टोपी हम अपने सर पे पहनते हैं ये कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि ये एक कल्चरल आइडेंटिटी है। ठीक है, जहाँ तक मजहब की बात है तो वहाँ पे कुछ ऐसा एम्फेसिस नहीं है कि आपको टोपी पहनना है या ऐसा नहीं है, बल्कि जो बात कही गई है कि जब आप नमाज के लिए जाओ तो अच्छे से वेल ड्रेसअप होके जाओ। तो जो जैसे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो जब भी जब मस्जिद में जाते थे या आम तौर पर तो पगड़ी बांधे रहते थे, सर पे कुछ ना कुछ रहता था उनके। ठीक है, तो उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए कुछ लोग पगड़ी बांधते हैं, कुछ लोग सर पे टोपी पहन लेते हैं। क्योंकि टोपी पहनना आसान होता है, पगड़ी बांधना हमेशा वो उतना आसान नहीं होता, इसलिए मेरे ख्याल से लोग ज्यादा टोपी पहनना ही पसंद करते हैं। एक्सेप्ट कर सकते हैं। अरे वाह, अपने अपने मतलब रिलीजन की बात कर रहे हैं। एक चीज मुझे समझ में आई आज। हाँ जी, ये सारी चीजें टू कॉपी हैं, बस नाम अलग है। नाम अलग है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, इसका अर्थ ये है कि हमारा जितना भी विश्व है वो सारा परिवार। बिल्कुल, हमको एक दूसरे से भेद नहीं रखने चाहिए, या सर मुस्लिम है या मैं हिंदू हूँ, इसमें कोई भेद नहीं होता। कुरान की एक आयत है, मैं उससे अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने यह कहा कि जब हमने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो एक कम्युनिटी के लिए नहीं भेजा कि ये सिर्फ एक खास कम्युनिटी के लिए वो गए हैं, बल्कि उनको पूरी दुनिया के लिए, पूरे ब्रह्मांड, सिर्फ दुनिया ही के लिए नहीं बल्कि और भी इसके अलावा जो चीजें हैं उन सब के लिए रहमत बना करके भेजा है। तो बात वहीं आकर खत्म हो जाती दोनों है। सब एक ही दुनिया के हिस्से हैं, सब एक ही बॉडी के सब पार्ट्स हैं, बाकी हम एक ही हैं, जैसे इन्होंने भी कहा कि हमें एक साथ होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सारी चीजें मुझे जो कंफ्यूजन वाली थी, जो मुझे समझ में नहीं आती थी, मैंने अमन भाई से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया उसके बारे में। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसी के साथ दो यार गाइस ये वीडियो खत्म। इसे कहते हैं एक मास्टरपीस, इसको कहते हैं ऐसी वीडियो जिससे कुछ वाकई में सीखने को मिलता है। और सच बताऊं मुझे आज तक नहीं पता था, मैं देखे मैंने नाम जो देखे मैंने सुना हाँ। था सनातन धर्म हाँ। और हिंदू धर्म हाँ। मुझे मैं समझ रहा था दोनों को एक ही बोलते, मुझे डिफरेंस नहीं पता था, लेकिन मुझे आज पता लगा। मुझे देखिए आप अपने रिलीजन के बारे में हर किसी को पता होता है, मुझे पता था जो जो इन चीजों इन भाई ने बताई वो हमें पता थी, लेकिन हमें ये हिंदू धर्म के बारे में पता लगा। और जिनको
मुस्लिम धर्म के बारे मतलब इस्लाम के बारे में नहीं पता था, इस वीडियो की वजह से उनको भी पता लगा होगा। बिल्कुल यार, मतलब थोड़ी थोड़ी तो वो पता थी चीजें, देखो टाइमिंग इनकी मतलब तकरीबन सेम ही थी, काफी सिमिलरिटीज, जिस तरह लास्ट में उन्होंने बोला कि मतलब एक परिवार है, इसी तरह इस्लाम में भी है, सारी मैनकाइंड के लिए। तो यार मतलब पूरा देखा जाए तो मतलब एक है, लेकिन वो लोग बीच में बस वो कहते हैं नाम चेंज है, हाँ भाई, और सब कुछ टीचिंग जो है वो सेम है। और यार मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी वीडियो, और इन जिस तरह भाई दोनों आपस में बात कर रहे थे, इनका इंटरेक्शन एक दूसरे को जिस तरह से एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे थे, फिर इन्होंने अपनी बुक्स चेंज की, फिर नंबर एक्सचेंज किए, नंबर एक्सचेंज किए, मतलब क्या बात है यार, क्या चीज है यार, मतलब मजा आ गया देखकर। और दूसरी बात ये कि गुरुकुल के बारे में आज मुझे पता चला, देखो मतलब वेद साइंस मतलब हर तरह की तालीम दी जाती है, ये बात है। हमने नाम सुन रखा था, पता है मैं गुरुकुल का क्या समझता था, हमने अक्सर मूवीज में देखा था, मैं समझता था कोई स्कूल या इसी तरह, मतलब जिस तरह हमारा मदरसा होता है मतलब उसी तरह गुरुकुल भी होता है, गुरुकुल इस्लाम में मदरसा होता है, हिंदुइज्म में गुरुकुल होता है। बिल्कुल, लेकिन आज हमें पता चला कि यार मतलब इधर क्या क्या होता है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन, और यार इस वीडियो की वजह से हमें बहुत अच्छी नॉलेज मिली यार, थैंक यू जिन्होंने बनाई बहुत ऑसम वीडियो। आई होप आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा इनमें पता लगा हो। बिल्कुल, तो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें लाजमी दे। बिल्कुल, तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।